अब तो गया, अब तो गया मैं। और चुके बंदे आ गए। तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा। रुक, तेरे को बताते। वेलकम बैक गाइस, स्वागत है सभी का फिर से नई वीडियो में। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग खेलने वाले हैं फ्री फायर सोलो वर्सस स्क्वाड, वो भी हीरोइक रैंक में मेरे भाई। तो बहुत मजा आने वाला है। वैसे सही बताऊँ तो पिछले लगातार 3-4 दिन में मैं उतरते ही मर गया क्योंकि बहुत प्रो प्लेयर्स आ रहे हैं। बट कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि जब तक आज हमारे पास ये केले वाली पावर है ना, देखो हर जगह मतलब 2 दर्जन तो मैंने केले ही पहने हुए हैं आज, तो यही केले पहन के आज मैं उतरने वाला हूँ। सीधे पीक से शुरुआत करेंगे, डरने वाली कोई बात नहीं है। लगता है मेरे अलावा भी यहाँ किसी ने घुसपैठ तो करी। अरे भाई यार, इसको तो कुछ वेपन भी मिल गया है। एक ग्रेनेड है, इसी से काम चला लेता हूँ। मेरे पीछे कोई ना कोई तो आएगा लग रहा है। ये इतनी जल्दीबाजी, भाई 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 भाई, 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 भाई साहब, सारी गोलियाँ उसको पैरों पे ही लग रही थी, उसके पैरों में ना चिपक गई थी गोलियाँ। अभी फिलहाल टेंशन का माहौल पैदा हो गया क्योंकि मुझको ना बहुत ज़्यादा HP की ज़रूरत है। अभी बस देखो, ये हीलिंग वाली एबिलिटी है बट वो ज़्यादा हील नहीं कर पाएगी, शायद 100 तक ही हील हो पाएगा। तो इनको अभी लड़ने दो, एनिमी लोग आए ना सामने, स्क्वाड आई है एक से बढ़कर एक। मैं नहीं चाहता कि स्टार्टिंग में मेरा गेम खत्म हो जाए, देखो इतनी अच्छी शुरुआत हो गई है। सारे के सारे ना दोस्तों, ये केले की पावर, अब झूठ क्या बोलना, 2 दर्जन केले ऐसी थोड़ी पहने हुए हैं यार। चलो यहाँ से मैंने फिलहाल वेस्ट ले लिया है, बट उससे ज़्यादा मेरे को अभी ज़रूरत है एक मेडिकेट की। अगर एक भी मेडिकेट दोस्तों मुझे मिल जाएगी ना, सीधे मैं रश करने वाला हूँ सामने स्क्वाड्स पे। अभी तो मैंने इसके पास 2 ही टीममेट्स मारे हैं, लेकिन अभी तक ना दोस्तों उसने हमारी ये केले की पावर अपने टीममेट्स को पहुँचा दी हुई। कितना डेंजरस केले लेके हम लोग घूम रहे हैं, तो वो लोग बस बदला लेने आते ही होंगे। फिलहाल मैं नीचे की साइड जाने की सोच रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर शायद मेरे को एक तो मेडिकेट मिल जाएगी। जंप बाहर मार दिया, लेकिन यार कैरेक्टर ज्यादा ऊंचा मत उछल, अभी तेरी इज्जत उतर जाएगी। 2 दर्जन केले पहन के खेल रहे तू अभी। देखो तो गाइस मस्त हाइट में उछलने में लगा है भाई। यार थोड़ा संभल कर, ये भी तो देख तूने पहना क्या है, कुछ भी कहीं भी थोड़ी उछल सकता है यार। तो देख के खेलना तेरे को। सबसे मेन बात आज तुझे मुझे यार भूया देनी पड़ेगी क्योंकि मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि थोड़ी खतरनाक लॉबी है बट हम भी किसी से कम थोड़ी है ना। ले भैया मिल गई मेडिकेट, बातों ही बातों में ये हुई ना बात। देखो गाइस सामने M1040 भी पड़ी हुई है, अभी छोड़ते हैं गाइस इसको, अभी SMG में मुझे ज़्यादा भरोसा है। जल्दी से मैं पे पूरी लूट कंप्लीट करता हूँ गाइस, और इसके बाद वापस चलते हैं सीधे पीक में। बाइजनी ठीक है यार दोस्तों, अभी बाइजनी मैं चलाने वाला हूँ क्योंकि मैक में उतना ज़्यादा मज़ा। अरे एक मिनट, यहाँ पे गाइस देखो 2 बंदे शायद रिवाइव करने भाग रहे हैं। इसकी तो राजू की तो खत्म भाई, सीधे हेड लगा इसको। और इसका दोस्त को अभी भी शायद पूरी टीम को रिवाइव करने के चक्कर में, क्या घोचू आदमी है यार ये। दोस्तों ने वहाँ पे घुटने टेके हुए हैं और ये रिवाइव, ये देखो अभी इसको होश आ गए शायद। सीधे हेडशॉट, खेल कदम थोड़ी देर से इसको अकल आई, लेकिन क्या फ़ायदा भाई। सामने से जब कच्चे 2 दर्जन केले दौड़ते हुए आ रहे हैं ना, इसको पहले समझ आना चाहिए था कि हाँ ओ नो माई गेम इज़ ओवर। वाह, इसलिए जाते जाते देखो गाइस हमको लाइक भी देखे चले गया। फिलहाल इस केले की लुंगी को गाइस पकड़ के दौड़ लगाते हैं, इस शॉप के तरफ बढ़ता हूँ, शायद वहाँ पे कुछ हमको आइटम मिल जाए। बस एक हेलमेट मिल जाना मुझे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार यहाँ पे तो बस फोकट का इनहेलर मिल रहा है, इसको लेते हैं गाइस। छोटा आलो किसको नहीं पसंद है, छोटा आलो गाइस फोकट में मिल गया तो मैंने दोनों उठा लिया, और एक का तो इस्तेमाल भी कर दिया, एक को भी संभाल कर रखते हैं। यहाँ पे देखो एक स्नाइपर पड़ गई है, बट नहीं यार आज मैं सोच रहा हूँ कि ना एक्सीमेट ही चलाते हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से हमने एक्सीमेट चला ही नहीं है। उड़न खटोला हेडशॉट मारने का बहुत मन कर रहा है आज, इसी बंदूक से वो पड़ते हैं ज़्यादातर। लेकिन हाँ अगर M24 की जगह मुझे AWM मिल जाना तो मैं AWM ही चलाने वाला हूँ फिर। अरे वाह देखो गाइस ड्रोन में मुझे एक और बंदा दिख गया, लेकिन अभी उसको मारता नहीं हूँ मैं। फिलहाल इस ड्रॉप का इंतजार करते हैं, अगर AWM इससे निकलेगी तो बस फिर तो आज सारे बंदों का सुल्तान होने वाला है, बस सिर्फ और सिर्फ AWM से। लेकिन यार शायद आज हमारी किस्मत अच्छी नहीं चली, देखो ग्रोजा आ गई है। अब इसको निपटाता हूँ मैं, बहुत हो गया इसका। उड़न खटोला हेडशॉट ही आएगा तू तो, देखो डस्टबिन के पीछे छुप गया गाइस, छिपके मार रहा है यार ये तो। रुक जाओ गाइस, ले भैया पड़ गया ना हेडशॉट। लगता है इसको गाइस ये केले की पावर पता नहीं थी जो इतने ओपन से आके रश करने लग गया। देखो तो Level 3 का हेलमेट भी है इसके पास, बेस्ट हेलमेट सब कुछ है इसके पास तो भाई, क्या बहुत अमीर आदमी था लगता है ये। चलो अभी इस समय मेन में लूट कर लेता हूँ और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो अभी गाइज हम लोग पहुंच गए 2 दर्जन केला लेके सीधे पोची नाव पर, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ना हलचल देखी थी और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे हाथों से आज एक भी किल बचे क्योंकि मैं बहुत फॉर्म में आ गया और 5 किल हो गए मस्त के पीक में। ये देखो बंदा है और शायद किसी और को मार रहा था और तुरंत उसको पड़ गया यहाँ पे उड़न खटोला है हेडशॉट। यार आज तो ना मैं यही वाली बंदूक चलाने वाला हूँ। देखो ये भाई मेरे ख्याल से 2-3 टीम यहाँ पे आपस में फाइट कर रही है। एक लाइक और मिल गया मुझे फ्री का गाइज, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो आप भी वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आ रही वीडियो। तो फिलहाल देखो अब इनको मेरी लोकेशन पता चल गई है,
गया भाई सीधे हेड, इसको भी जलवा दिखा दिया है मैंने। अपना किल सेव करना गाइस बहुत जरूरी है क्योंकि इन लोगों को मेरी लोकेशन पता चल गई। देखो ये आ रहा है शायद मेरे पर रश करने के लिए, एक मिनट। ओ भाई ये तो दो आ रहे हैं, अब क्या करना। आगे दोनों के पास शायद M1014 मुझे दिख रही है। नहीं 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 देखो एक उधर भाग गया है, अब सही है। ओके गाइस शायद ये जानता कि मैं हिप्पो पक्का यहाँ पे चेक करने आएगा, उसके बाद उसको मिलेगा सरप्राइज ये। अरे नहीं नहीं यार गलत टाइम पे गाइस गड़बड़ हुई है, उसको मैं सरप्राइज नहीं दे पाया। अब तो दोनों लोग एक साथ रश कर रहे हैं। M1014 भूकंप बन जाता हूँ इसकी तो कितनी ग्लोबल दम भाई, चुपचाप बैठ जाओ बस थोड़ा सा इसके एसएमटीसी बैठ जाओ वहाँ पे। मुझको तो लग रहा था ना अभी हमारा गेम खत्म हो गया, बट हम कैसे भूल सकते हैं हमारे पास भूकंप है यार। अभी दोनों को गाइस मैं मारता हूँ आराम से यहाँ पे। अरे भाई ये M10 कहाँ से लेके आ गया। ओह ये भी गाइस भूकंप वाला है, अब तो भाई वुकोंग वर्सेस वुकोंग होने वाला है। देखो कैसे पीछे कर रहा है मेरा, मैं मस्त करके लूट करता हूँ यार। छुपन छुपाई का गेम चल रहा है गाइस, हाइड एंड सीक। कैसा देखो फॉलो कर रहा है मेरे को इसके, तो यहाँ पे ग्लोवा लगाता हूँ। आप कर दूँ मेरा पीछे, एक मिनट रुक जाओ दोस्तों थोड़ा मैं आपके हील कर लूँ ना। M10 से बहुत मजे ले रहा है ना ये, लगता है अब केले के पावर ऑन करने का वक्त आ गया दोस्तों। आप आ जा दो, आप कोई दिक्कत नहीं है इसकी तो। M10 इसी पे भरनी है गाइस तो कहाँ तक। भाई 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 आराम से भाई, ये लोग इतनी सारी M10 पता नहीं ला कहाँ से रहे, रश कर रहे हैं। हम पे रश करेगा तू, हम पे रश करेगा, क्या बात है गाइस। एक के बाद एक कैसा ये लोग हम पे रश कर रहे थे, और सबके पास भाई M10 थी शॉर्ट रेंज में, और हम बेचारे यहाँ पे MP40 से ही पूरी स्क्वाड धो डाली यार। कैसे कैसे हम लोग हार मान सकते हैं, हमारे पास वुकोंग है यार। उस टाइम तो मैं भूल गया था कि मेरे पास वुकोंग भी है, शायद अगर मैं वुकोंग यूज़ नहीं करता ना अभी तक यहाँ पे इसी केले के साथ मेरी यहाँ पे पेटी दफन हो गई होती। बट कोई बात नहीं, अभी मस्त करके हम लोग लूट करते हैं गाइस। पूरे के पूरे हमारे 10 किल्स कंप्लीट हो गए हैं, और अभी भी पूरे 21 प्लेयर अलाइव है इस लॉबी में। बहुत मजा आ रहा है भाई आज के गेम में, तो तगड़ा गेम प्ले जाने वाला है लग रहा है। ये केले की पावर तो जबरदस्त है यार, मस्त करके गाइस देखो मैंने सारे ग्लू वॉल्स भी लूट लिए। अब मैं सोच रहा हूँ ना गाइस कि पोचिनोक पे स्टे करता हूँ थोड़ी देर, क्योंकि ये लोग बदल लेने पक्का मेरे ऊपर वापस जरूर आएंगे। वो भी सोच रहे होंगे भाई ये खेले वाला बंदा कौन है जिसने हमारी पूरी स्क्वाड अकेले निपटा दी। वैसे दोस्तों आप लोगों ने वैसे एक चीज़ नोटिस करी आज, मेरे सामने ना बार बार M1014 आने में लगी, लेकिन मैंने एक बार भी उठाई नहीं है। पीक में भी मेरे को मिली थी M1014, मैंने नहीं उठाई। और यहाँ पे तो सारे प्लेयर्स ही M1014 लेके घूम रहे थे शॉटगन लेके, क्योंकि मुझे पता है ना उसकी मेरे को जरूरत ही नहीं है। देखो सामने एक शॉप तो पड़ी है, लेकिन कोई भी प्लेयर नहीं दिख रहा है। बट हाँ वो देखो सामने कोई रिवाइव जोन में शायद गाइस, ये जिनकी मैंने अभी स्क्वाड पेटी बनाई ना बस थोड़ी देर पहले, उन्हीं का कोई बंदा पक्का रिवाइव करने भागा होगा। और इससे पहले कि ये लोग पूरे इकट्ठे होकर जो उसके साथ मेरे पे रश करने आ जाए, मैं इस पर डायरेक्ट रश कर लेता हूँ। फिलहाल दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा गाइस, तो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे अमेजिंग कॉन्टेंट्स तो हम लाते ही रहता है। ये देखो भाई देखते देखते उसने अपनी स्क्वाड भी रिवाइव कर दी, पर दिक्कत वाली कोई बात नहीं है यार, आज हमारे पास केले की पावर है, और साथ ही साथ एक्सा मेड उड़न खटोले हेडशॉट पड़ेंगे एक के बाद एक। चलो गाइस अभी मैं यहाँ पे ऊपर पहुँच गया हूँ, और अब शायद मुझे एक दो बंदे दिख जाए तो मज़ा ही आ जाए। पर नहीं यार आई थिंक गाइस हम लोग थोड़ा लेट हो गए, जो रिवाइव हुए ना वो हमको आसमान में दिखेंगे। देखो रिवाइव करके भाग, अरे नहीं नहीं ये देखो नीचे है, ये तो ऐसे कम तैसी एक हेडशॉट लगा, लेकिन बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा चतुर बन रहा है ये। ग्लू वॉल कितनी जल्दी लगाई इसने, देखा अभी मैं उसको ग्रेनेड। भाई ये क्या है, ये क्या गाइस आप लोग ने देखा ये क्या हुआ, ये हैकर वैकर है क्या, क्या कर रहा है ये बंदा, शायद उसका नेट नहीं चल रहा भाई। ये पीछे से कौन आ गया, ओ अभी तो ये वाले प्लेयर के चक्कर में मुझे पीछे से कोई गोलियां मार के पूरा गेम बर्बाद करके भाग जाता। ये देखो अभी पहले ही भाग गया, उसको पता ना गाइस कि ये खेले वाला इंसान आज लॉबी में तहलका मचा रहा है, तो पहले ही ऊपर भाग गया। लेकिन अभी नीचे वालों को छोड़ते हैं यार, क्योंकि देखो वो ऑलरेडी कुछ ग्लिच कर रहा था, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके पीछे मेरा टाइम वेस्ट हो। जिसने मुझे पीठ पीछे मारने की कोशिश करी ना, इसकी हिमाकत तो अभी हम ठिकाने लगाएंगे। पेटी बना के फिट नहीं कर दिया ना, तो हमारा नाम भी आज बैच 99 नहीं भाई। लेट्स गो सीधे ऊपर की ओर भागते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं भागा होगा, बस हमको आसपास देखने की ज़रूरत है। कहीं वापस वहीं तो नहीं भाग गया वो मेरे को ढूंढते हुए, एक बार वहाँ पे भी हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक से बढ़कर एक धुरंधर आए हुए हैं गाइस लॉबी में। वैसे देखो जो नीचे ग्लिच वाला प्लेयर था ना वो तो भागे गया, और शायद जिसने हमको पीठ पीछे गोली मारी थी ये वाला प्लेयर भी इतनी जल्दी कैसे भाग सकता है। आई थिंक गाइस वो ऊपर इन घरों की तरफ ही भागा होगा, ज़्यादा दूर तो नहीं भागा होगा। लेट्स गो, देखो सर्कल पर यहीं पर बनाए, और ये देखो उसका हेड मेरे को दिख गया है, यहीं पे छिपके बैठा हुआ है। 100% इसके यहाँ पे स्क्वाड होगी तभी ये यहाँ पे छिपके बैठा है गाइस। ये देखो देखो प्लेयर्स घर में आया,
आने दो आने दो। आजा बेटा, ये देखो कहाँ भाग रहा धुरंधर, कहाँ भाग रहा शायद। गाइस देखो अभी अभी ये बंदा रिवाइव हुआ था, एक को मैंने डाउन कर दिया, पीछे से कोई आ रहा है लेवल 4 के वेस्ट के पास। एक मिनट भाई, भाई डबल बैरल इसके पास, थोड़ा आराम से। दोबारा से गाइस शॉर्ट गन वर्सेस MP40 हो रही है और इसकी हवा टाइट हो गई भाई, डर गई, पैक कर दिया इसने। और सामने से गाइस देखो और प्लेयर्स भी आ रहे हैं। एक काम करता हूँ अभी, पहले इसको मारता हूँ। जी था शायद वो पीछे से मेरे को उस टाइम मारा था। स्वाद आ गया तेरे को? देखा दोस्तों आपने, दोबारा से हमको पीछे से मारने की सूत्र थे ये। अब बस हमको इस लड़की को स्वाद चखाना है फ्लाइंग हेडशॉट मार के। देखो कैसे क्लू वॉल तो हो रही है, ये पड़ा हेड आ गया स्वाद। दोबारा से ग्लू वॉल, ज़्यादा मूवमेंट दिखा रही है ना ये लड़की। सीधे इसको ड्रोन शॉट मारा गया सबने, सीधे छत से लोग ड्रोन व्यू देखते हैं, हम ड्रोन शॉट मारते हैं। वाह यार काफ़ी सारी मेडिकेट्स है इसके भाई, सुपर मेडिकेट्स, बट हमको अभी लूटने का वक्त नहीं है। 12 किस गाइज हमारे हो गए हैं और अभी भी पूरे 15 लोग बचे हुए हैं और देखो सर्किल कितना छोटा हो गया है। तो मुझे लगता है ना गाइज अभी हमको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, इस खुली हवेली में ना हम लोग एक मस्त वाली पोजीशन बना लेते हैं और यहीं से हम लोग मारेंगे फिर ड्रोन शॉट जैसा अभी मारा था हमने। अपने बैकपैक में कितना कचरा भरा हुआ है देखो, अरेंजमेंट किए वगैरह सब फेंको, ये आइटम कुछ भी काम का नहीं है ना, अपग्रेडेड चिप है, सब फालतू आइटम है यार, सब फेंको इसको। अभी बस मुझे एनिमी के हेड को ठिकाने लगाना गाइस। एक बार पीछे चेक कर लेता हूँ कोई है तो नहीं ना, पता चला पीछे से कोई आ गया हमको मारने के लिए, क्योंकि हर बार ऐसी हो रहा है इस मैच में। पीछे तो कोई भी नहीं गाइस, जो भी अभी आएगा ना फ्रंट से आएगा। देखो उधर एक मुझे ग्लू बॉल दिख रही है, ये देखो ये रही ग्लू बॉल, ये देखो राइट से कोई भाग के आ रहा है। कहाँ भाग रहे सर, एक हेड तो लगा, रिवाइव का मौका नहीं होने दूंगा मैं बिल्कुल भी। खत्म भाई, ये भी खत्म, शायद इस वक्त ग्लू वॉल नहीं थी, अभी अभी रिवाइव का आया था शायद। इन लोगों को तो मस्त है यार, इनके टीममेट्स रिवाइव करते थे, हम बेचारे सोलो से स्क्वाड एक बार मर गए तो सीधे के भी खत्म। अभी मैं भाग के आ गया हूँ वापस से लूट करने के लिए, क्योंकि देखो मेरे पास ARMA बहुत कम है यार, मुझे ARMA की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली लग रहा। ग्लू वॉल वगैरह भी उठा लेता हूँ सब। चलो 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 गाइस, बहुत लूट हो गई है और अब वक्त आ गया भूया करने का। देखो गाइस कितने छोटे जोन में सारे प्लेयर्स अभी इसी घर पर रश करने वाले हैं, मुझे ऐसी लग रहा है, बट मैं इनको आने नहीं दूंगा बिल्कुल भी। हर जगह ड्रोन व्यू रखना पड़ेगा हमको। केले की पावर देख रहे हो तो गाइज, आप लोग स्टार्टिंग कितनी खतरनाक हुई थी पीक में और लगता अब एंड भी हमारा पीक में ही होने वाला है। सो, ये देखो जहाँ पे नीचे एरेशनल की लगाते हैं वहाँ पे मुझे एक मूवमेंट दिखी हल्की सी, वो देखो शायद अभी ऊपर ही आ रहा है। मेरे पास ना वैसे ग्रेनेड्स भी बहुत सारे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि ग्रेनेड की बारिश कर देंगे इन पर। ये देखो एक और बंदा आ गया, शायद दो बंदे रश करने वाले हैं, ग्रेनेड्स ही ग्रेनेड्स कर देता हूँ हर जगह, एक नया किल तो मिल ही जाएगा। पेड़ में तो छिपेगा और कहाँ पे छिपेगा, बॉम ही बॉम बरसा दो भाई, कब तक छिपेगा ग्लू वॉल के पीछे। बाइक से शायद कोई एंट्री मारने की सोच रहा है और उसने एंट्री मार दी है भाई, 196 का डैमेज पड़ा, लेकिन गाइस अभी मुझे अलर्ट रहने की जरूरत। देखो नीचे कौन आ गया है चंपल लगा के, डबल बैरल फिर से शॉटगन वर्सेस गाइस, वो कौन होने वाला अगेन। अरे भाई कितना सर्वाइव करेगा वुकोंग भी यार। आखिरकार गाइस शॉटगन से हमारा खात्मा हो गया, इतने सारे शॉटगन प्लेयर्स का आज हमने खात्मा करा इस लॉबी में, लेकिन लास्ट टाइम पे शॉटगन ने हमको हरा ही दिया। आई होप दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो में मजा आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।